हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ एंगल्स गिवन हैं और हमें उन एंगल्स के सप्लीमेंट पता करने हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें जो एंगल्स गिवन हैं, हमें उन एंगल्स के सप्लीमेंट्री एंगल्स पता करने हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 105 डिग्री, यानी कि हमें 105 डिग्री का सप्लीमेंट पता करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, लेट द सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री बी एक्स, यानी के 105 डिग्री के सप्लीमेंट को हमने एक्स लेट कर लिया है। इस एक्सरसाइज की बेसिक वीडियो में हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 105 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये x यहां पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, ये 180 डिग्री भी यहां पर हमने एज इट इज लिखा, और ये जो 105 डिग्री है इसको हम राइट साइड में ले आएंगे। यहां पर ये पॉजिटिव है तो राइट साइड में आके ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये x यहां पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। जब आप 180 में से 105 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 75। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, x की वैल्यू हमें मिल गई है 75 डिग्री। और x हमने किसको लेट किया था स्टूडेंट्स, x हमने लेट किया था 105 डिग्री के सप्लीमेंट को। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं, हेंस द सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इज 75 डिग्री। यानी के 105 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है, 75 डिग्री। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स 87 डिग्री, यानी हमें 87 डिग्री का सप्लीमेंट पता करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, लेट द सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री बी एक्स, यानी कि 87 डिग्री के सप्लीमेंट को हमने एक्स लेट कर लिया है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि दो एंगल्स तभी सप्लीमेंट एंगल्स होते हैं जब उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, 87 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। अब इस x को यहां पर हम एज इट इज रखेंगे, इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, ये 180 डिग्री भी यहां एज इट इज रहेगा, और ये जो 87 डिग्री है इसको हम राइट में ले आएंगे। लेफ्ट में देखिए ये पॉजिटिव था तो जब ये राइट में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये x यहां पर एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। 180 में से जब आप 87 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 93। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 93 डिग्री। और x हमने किसको रेट किया था स्टूडेंट्स, x हमने रेट किया था 87 डिग्री के सप्लीमेंट को। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं, हेंस द सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज 93 डिग्री। यानी के 87 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है, 93 डिग्री। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स 154 डिग्री, यानी हमें 154 डिग्री का सप्लीमेंट पता करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे, लेट द सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री बी एक्स, यानी के 154 डिग्री के सप्लीमेंट को हमने एक्स लेट कर लिया है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि दो एंगल्स तभी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहां पर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे और इनके सम को किसके इक्वल रखेंगे, 180 डिग्री के इक्वल। तो यहां पर हमने लिखा 154 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एक्स यहां पर एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, ये 180 डिग्री भी यहां एज इट इज रहेगा, और ये जो 154 डिग्री है इसको हम राइट साइड में ले आएंगे। लेफ्ट में ये 154 डिग्री पॉजिटिव था तो जब ये राइट साइड में आएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब ये x यहां पर एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा। जब आप 180 में से 154 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 26। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 26 डिग्री। और x हमने किसको रेट किया था, x हमने रेट किया था स्टूडेंट्स 154 डिग्री के सप्लीमेंट को। तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं, हेंस द सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री इज 26 डिग्री। यानी के 154 डिग्री का सप्लीमेंट क्या है, 26 डिग्री।
आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।